Thank you, Chairman, sir, having given me opportunity to say a few words on remoter e-rickshaw and e-cart. ये तो एक मानव के ऊपर कलंक था और कलंक है भी, जिसको मिटाने का काम माननीय गडकरी जी ने किया कि मानव मानव को ढोने का कार्य करता है, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और तमाम मशीनीकरण हुआ है। यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण 19वीं 18वीं शताब्दी में हो गया, हम 21वीं शताब्दी में हैं, फिर भी इंसान इंसान को खींचने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से एक शुरुआत होगी कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए कि इंसान इंसान को खरीदने का खींचने का काम बंद करे। और ख़ास तौर से यहाँ, चूँकि मैं दिल्ली से चुन के आता हूँ, तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। और लेकिन उसमें एक बात और मैं सरकार से अर्ज करूँगा, माननीय मंत्री जी से, कि जब इसका रूल्स फ्रेम हो, तो रूल्स रेगुलेशन जब फ्रेम होते समय ये जरूर देख लिया जाना चाहिए कि जिस तरह से एक एक व्यक्ति 200 रिक्शा का ओनर होता था, वह ना हो। हालांकि प्रोविजन है इसमें, लेकिन लूपहोल्स ऐसा होता है कि उन लोगों के नाम पर अकाउंट खुलवा करके, अपना पैसा जमा करा करके, उनको फ्रंट में करके ऐसा कर सकते हो। तो स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए ताकि मोनोपोली न हो पाए, बड़े बड़े जो सार्क हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो एक्सप्लाइट न कर सके। तो एक्सप्लाइटेशन को ख़त्म करने के लिए आम आदमी को रोजगार देने की ये स्कीम है। पोल्यूशन मुक्त तो का काम तो है ही है इसका, रोजगार तो देना ही देना है। और दिल्ली में जितना कंजेशन है, और उससे मुक्ति ज़रूर इससे मिलेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस पर सब लोगों ने बोला है और समय का, सदन का समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं समर्थन देता हूँ कि जो मंत्री महोदय ने,